एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच महाराज यानी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे, जहां वे जनता से पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए नजर आए। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर में 4 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने NCERT की किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखे जाने पर हो रहे विवाद पर बयान देते हुए कहा कि हमारे देश का नाम अतीत से भारत ही है, फिर विरोध किस बात का? जब इंडिया रखा गया तब कोई विरोध नहीं हुआ, अब क्यों? सिंधिया ने कहा कि मातृभूमि के नाम पर किसी के द्वारा विरोध करना यह देश का दुर्भाग्य है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विरोध किस बात की है। हमारा ये हमारी ये भूमि अतीत से भारत के नाम से जाना जाता था और विरोधाभास किस बात की? जब इंडिया का नाम रखा गया था तब तो विरोधाभास नहीं था, भारत का नाम रखा जा रहा है तो विरोधाभास है। हमारे देश में सदैव सभी पक्ष, सभी सोच, सभी विचारधारा को समेट कर हम लोग आगे चलने की एक प्रथा रही है और मातृभूमि के नाम पर किसी के द्वारा विरोधाभास का स्वर उठाया जाए, मैं मानता हूं कि ये देश हित में भी नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य और जनहितेशी योजनाओं को देखते हुए जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद जरूर देगी। हम लोगों का प्रयास निरंतर है। इस बार पूरे अंचल में सभी विधानसभाओं का दोबारा मेरा प्रवास है, ग्रामीण भी और शहरी क्षेत्र भी, और हमारी यही कोशिश है कि जो पिछले 3 वर्षों में और जो पहले पिछले 18 वर्षों में दोनों कार्यकाल के जो विकास कार्य वो जनता तक हम लोग पहुंचाएं और जनता का आशीर्वाद भी हम लोग ग्रहण कर पाएं। एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच महाराज यानी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे, जहां वे जनता से पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।